हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर कपिल गोयल और मैं आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं जिसका नाम है वायरस इज गोइंग वायरल। तो फ्रेंड्स, पिछले हफ्ते हमने कवर किया था प्रिंसिपल ऑफ ऑटोक्लेविंग और हमने उसमें देखा था कि कौन कौन से क्रिटिकल पैरामीटर्स हैं, जैसे कि उसमें टाइम, टेम्परेचर या फिर जो परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ स्टीम है जिससे हम जो भी कोई हमारा प्रोडक्ट है उसको स्टरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अगर उसमें ऑटोक्लेव में कोई एयर ट्रैप हो गई है तो कैसे वो अफेक्ट करेगी हमारे सारे के सारे ऑटोक्लेविंग के प्रोसेस को। तो फ्रेंड्स, ये जो ऑटोक्लेव है ये किसी भी हॉस्पिटल के सीएसएसडी डिपार्टमेंट का बहुत ही अहम हिस्सा है। दोस्तों, ये जो सीएसएसडी डिपार्टमेंट है इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल स्टरलाइजेशन एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े ऑटोक्लेव इंस्टॉल किए जाते हैं और यहाँ पे जो भी सर्जिकल आइटम्स हैं उनको स्टरलाइज किया जाता है और फिर डिफरेंट ऑपरेशन थिएटर्स में या फिर सर्जिकल साइट्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो दोस्तों, जो भी ऑटोक्लेव में हम चीज को स्टरलाइज कर रहे हैं, क्या वो एक्चुअल में स्टरलाइज हुई है कि नहीं, उसको वैलिडेट करने के लिए हम कुछ इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, इस चीज को समझने के लिए पहले समझते हैं वर्ड वैलिडेशन के मतलब को। दोस्तों, जो वैलिडेशन है ये वेरिफिकेशन से डिफरेंट है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप मार्केट में जाते हैं और कोई शर्ट खरीदना चाहते हैं तो आप जाएंगे और आपको पता है कि आपकी शर्ट का साइज या तो लार्ज होगा या फिर एक्स्ट्रा लार्ज होगा या फिर आप बोलेंगे 42 या फिर 44 सेंटीमीटर डिपेंडिंग अपॉन योर शर्ट साइज। तो उस हिसाब से आपको जो वेंडर है वो भी आपको डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ शर्ट्स दिखाएगा और आप इंश्योर करेंगे कि हाँ आपको किस तरह का कलर चाहिए और क्या उस पे शर्ट पे वही साइज लिखा है कि नहीं। इस प्रोसेस को आप बोलते हैं वेरिफिकेशन। और जब आप उस शर्ट का ट्रायल लेंगे और एक्चुअल में देखेंगे क्या आपको वो ठीक फिट आ रही है कि नहीं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वैलिडेशन। इसी तरह से अगर आप जूते खरीदने नहीं जाते हैं और आप किसी दुकानदार को बोलते हैं कि मुझे 8 या 9 नंबर का जूता चाहिए, तो वो आपको दिखा देंगे, वो उस नाप का जूता आपको दिखा दिया जाएगा, बट जब आप उसको पहन के चल के देखेंगे तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वैलिडेशन। दोस्तों, इसी को समझने के लिए एक और बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ये एक हिस्टोरिकल एग्जांपल है। आप सब लोगों ने शबरी की स्टोरी पढ़ी होगी। उसमें क्या होता है कि जब श्री रामचंद्र जी शबरी के पास आते हैं तो उन्होंने जो शबरी ने जो बेर जंगल से वो उनके लिए लेके आती हैं वो उनकी क्वालिटी वही बेर चूज करती हैं जो कि देखने में बहुत अच्छे हैं, बट फिर भी उनके मन में एक डाउट रहता है कि कहीं कोई बेर खट्टा या कड़वा ना हो। तो वो क्या करती हैं, उसको वैलिडेट करती हैं, उसको टेस्ट करके देखती हैं कि क्या बेर वाकई में मीठा है कि नहीं, फिर वो श्री राम जी को वो वाला बेर खिलाती हैं। तो ये तो था दोस्तों कि एक वैलिडेशन का मतलब क्या है। तो इसी तरह से दोस्तों, जो भी चीज ऑटोक्लेव में सर्जिकल इम्प्लांट्स हैं जो, या फिर कोई भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो जो स्टरलाइज हो रहे हैं क्या वो वाकई में ही स्टरलाइज प्रॉपर हुए हैं कि नहीं, उस प्रोसेस को वैलिडेट करने के लिए हम कुछ इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने फिजिकल जो हमारे इंडिकेटर्स थे या फिर बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स थे हमने उनको डिस्कस किया था, बट जो केमिकल इंडिकेटर्स हैं उनको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं किया था। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इसी के ऊपर बेस्ड है कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल इंडिकेटर्स हैं वो कौन कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और उनको हम कैसे ये ऑटोक्लेव की वैलिडेशन के लिए यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, जहां कहीं पे भी ऑटोक्लेव इंस्टॉल किया गया है वहां पे जितने भी लोग उस ऑटोक्लेव को ऑपरेट कर रहे हैं उनको उनकी वर्किंग कंडीशंस पता होनी चाहिए। उनको ये पता होना चाहिए कि कैसे ऑटोक्लेव को लोड करना है और कैसे जो सर्जिकल आइटम्स हैं उनको पैक करना है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी ऑटोक्लेव को ओवरलोड कर देंगे तो भी हो सकता है कि जो प्रॉपर इनसाइड ऑटोक्लेव के कंडीशंस हैं वो प्रॉपर टेम्परेचर ना अचीव हो और जिस वजह से कोई भी साइकिल है उसमें फेलियर हो सकता है। दोस्तों, अगर ये जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं अगर ये प्रॉपरली स्टरलाइज नहीं होंगे तो इन्फेक्शंस का एक किसी भी पेशेंट पे जिस पे भी वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जा रहे हैं तो वो कोई भी इन्फेक्शन सर्जिकल साइट पे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों इसके ऊपर खास क्वालिटी चेक रखा जाता है
और बहुत ही अच्छे से रजिस्टर्स भी मेंटेन किए जाते हैं जहाँ पे फिजिकल पैरामीटर्स को भी रिकॉर्ड किया जाता है कि क्या वाकई में ही जो टेम्परेचर है वो 121 डिग्री सेल्सियस पहुंचा है कि नहीं, और कितनी देर के लिए होल्डिंग पीरियड इस ऑटोक्लेव साइकिल का रखा गया है और कितना प्रेशर को अचीव किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये तो थे कुछ फिजिकल पैरामीटर्स। इसी इसी तरह से बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स भी हमने देखे थे कि कैसे बैक्टीरियल स्पोर्स को यूज किया जाता है और आफ्टर दैट उसको या तो कल्चर किया जाता है या फिर उसका पीएच चेंज होने की वजह से कल्चर मीडिया का उसके कलर चेंज को डिटेक्ट किया जाता है, या फिर आजकल इंजाइम लिंक्ड या जो इंजाइम बेस्ड बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स हैं वो भी मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसकी मदद से आप बहुत ही जल्दी डिटेक्ट कर पाते हैं कि क्या आपका ऑटोक्लेव साइकिल प्रॉपर रन हुआ है कि नहीं। तो दोस्तों, जो बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स हैं इनमें बेसिकली जो जो ऑटोक्लेव की लिथैलिटी है अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको डिटेक्ट किया जाता है। जो एंजाइम बेस्ड बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स हैं उसमें दोस्तों जो सबस्ट्रेट है उसमें जब वो बैक्टीरियल स्पोर्स में जो एंजाइम है वो उस पर एक्ट करेगा तो प्रोडक्ट्स बनेंगे और वो फ्लोरोसेंट कंपाउंड रिलीज करेगा जिसको आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की मदद से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थे कि फिजिकल और बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स, बट इसके अलावा केमिकल इंडिकेटर्स भी हैं जो कि आईएसओ का मतलब है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जिसमें कि 11140 के क्लॉज के आधार पे इनको 6 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये जो केमिकल इंडिकेटर्स हैं इनका मतलब समझते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। जैसे कि जो ऑटोक्लेव के क्रिटिकल वेरिएबल्स हैं जैसे कि टाइम, टेम्परेचर या फिर प्रेशर, और अगर उनकी वजह से किसी भी केमिकल पे कोई कलर चेंज हो रहा है तो उस कलर चेंज की मदद से हम ये बता सकते हैं कि क्या वो क्रिटिकल वेरिएबल उस वैल्यू तक अचीव हुआ है कि नहीं जो हमें चाहिए, या फिर किसी भी जो केमिकल है उसकी जो फिजिकल फॉर्म अगर चेंज हो जाए, जैसे कि कोई सॉलिड पैलेट की फॉर्म में केमिकल है और वो लिक्विड की फॉर्म में चेंज हो जाए तो उसको भी हम एज अ केमिकल इंडिकेटर ही यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो केमिकल इंडिकेटर्स हैं इनको हम ट्रैफिक लाइट से भी कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे जब रेड लाइट है तो आप वो एक इंडिकेटर है कि आपने जो जेब्रा क्रॉसिंग है उसे आगे नहीं बढ़ना, और जब येलो लाइट होगी तो आप तैयार हो जाते हैं अपने व्हीकल को आगे लेके जाने के लिए, और ग्रीन लाइट जब होती है तो आप उसको क्रॉस कर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो था मतलब कि इंडिकेटर्स का मतलब क्या है। ये एक प्रोसेस को वैलिडेट करते हैं और इससे हमें पता लगता है कि जो स्टरलाइजेशन साइकिल है वो एक प्रॉपर वे में कंप्लीट हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं 1 to 6, अगर आप सोचे कि कौन सा इंडिकेटर बेटर है, ऐसा कुछ नहीं है। हर जो कोई भी इंडिकेटर है उसकी अपनी एक खास क्वालिटी है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अगर आप पुलिस का एग्जांपल लें तो एक लोकल पुलिस है, एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, या फिर आर्मी है, या फिर नेवी है। ये सभी के सभी क्या करते हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं और हमारे कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द इन्वेजन ऑफ टेररिस्ट। तो इसी तरह से दोस्तों, ये जो केमिकल इंडिकेटर्स हैं ये भी अलग अलग तरह से काम करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि जो ऑटोक्लेव का साइकिल है वो प्रॉपर चला है कि नहीं। तो दोस्तों, ये अब डिस्कस करते हैं कि ये जो डिफरेंट 6 कैटेगरीज हैं इनको कैसे क्लासिफाई किया गया है। जो क्लास 1 इंडिकेटर्स हैं वो बहुत ही सिंपल हैं, वो एक टेप की फॉर्म में अवेलेबल हैं जिसके ऊपर डायगोनल इंक से निशान है, जो कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जब अचीव हो जाता है जैसे कि 121 डिग्री सेल्सियस तब वो कलर चेंज हो जाएगा और वो जो डायगोनल लाइंस हैं उनमें वो डार्क डायगोनल लाइंस में चेंज हो जाएंगी वो लाइंस। तो दोस्तों, ये जो टेप है इसको कोई भी जो भी सर्जिकल आइटम जो हम स्टरलाइज करने जा रहे हैं उसकी पैकिंग के ऊपर यूज किया जाता है और इसको हम एज अ प्रोसेस इंडिकेटर भी बोलते हैं। इसका मतलब ही ये है कि ये बताएगा कि कौन सा जो हमारे जो सामान है वो ऑटोक्लेव हुआ है या जो अभी पेंडिंग है ऑटोक्लेविंग के लिए, क्योंकि जिस जिस भी टेप पे डायगनली जो स्ट्रिप लाइंस हैं अगर उनका कलर चेंज हो गया होगा दिस मीन्स कि वो ऑटोक्लेव के प्रोसेस से गुजर चुके हैं। तो ये जो जो भी प्रोसेस्ड आइटम्स हैं ऑटोक्लेव में उनको डिफ्रेंशिएट करता है नॉन प्रोसेस्ड आइटम से। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही कॉमन सी टेप है जो हर ऑटोक्लेव के बैच में
या फिर हर पैकिंग के साथ इसको यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट कैटेगरी है क्लास टू कैटेगरी। इसमें जो केमिकल इंडिकेटर्स हैं ये एक प्रोसेस को डिपिक्ट करते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि जो जो ऑटोक्लेव है अगर उसमें एयर ट्रैप हो जाएगी तो उस वजह से जहां पे भी वो एयर ट्रैप होएगी तो वहां पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं अचीव होगा और स्टरलाइजेशन प्रॉपर नहीं होगी। तो इसी चीज को टेस्ट करने के लिए बोईडिक टेस्ट है, जिसको कि काफी साल पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें भी एक कलर चेंज को ही देखा जाता है। हमने देखा था कि जैसे जब भी वैक्यूम का प्रेशर बढ़ता है तो जो एयर है वो ड्रेन से ऑटोक्लेव के बाहर आती है और फिर स्टीम को इंजेक्ट किया जाता है और फिर दोबारा से वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। तो ऐसे 4-5 बार ये साइकिल को रिपीट किया जाता है। और इस जो बोईडिक टेस्ट है, इसको करने के लिए जो पैक है बोईडिक का जो कमर्शियली अवेलेबल है उसको ड्रेन के ऊपर लोअर ट्रे में रखा जाता है। तो इसको बाद में चेक किया जाता है कि इसमें क्या जो येलो कलर की लाइंस हैं उनमें डार्क कलर डेवलप हो गया है कि नहीं। दोस्तों, इसको हम लाइव एग्जांपल में कंप्यूटर पे देखेंगे कि कैसे इस कार्ड को डिजाइन किया गया है और कैसे उसके कलर चेंज को डिपिक्ट किया जाता है। तो इसी तरह से दोस्तों, जब ये इनिशियली ये इंट्रोड्यूस किया गया था उस टाइम पे क्या करते थे कि डिफरेंट लेयर्स ऑफ टॉवल्स के बीच में इसको रखा जाता था और उसमें सेंट एंड्रयू क्रॉस को बनाया जाता था और उसके कलर चेंज को डिटेक्ट किया जाता था चेक करने के लिए कि क्या ऑटोक्लेव में से जो एयर रिमूवल है वो कंप्लीट हुई है या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से जो नेक्स्ट कैटेगरी के इंडिकेटर हैं वो है क्लास थ्री इंडिकेटर। इस इंडिकेटर में क्या किया जाता है कि इसमें सिर्फ सिंगल क्रिटिकल वेरिएबल को ही टेस्ट किया जाता है। तो इसमें जो एग्जाम्पल है वो ले सकते हैं कि जो सॉलिड केमिकल पैलेट है अगर वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर अचीव होने के बाद और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, जिसको सेट वैल्यू भी बोला जाता है, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि ये जो ऑटोक्लेव का साइकिल है ये ठीक हुआ है। इसके बाद दोस्तों आता है क्लास फोर इंडिकेटर्स, जिसमें दो या दो से ज्यादा क्रिटिकल वेरिएबल्स को टेस्ट किया जाता है। और बाद दोस्तों जो क्लास फाइव इंडिकेटर्स आते हैं उनको हम इंटीग्रेटिंग टाइप ऑफ इंडिकेटर्स भी बोलते हैं, और इनका जो लेवल है ये बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स के बराबर ही माना गया है। तो दोस्तों, ये जो इंडिकेटर है इसमें जितने भी क्रिटिकल वेरिएबल्स हैं ऑटोक्लेव के उन सभी को टेस्ट किया जाता है। और ये भी जैसे जो हमारा होल्डिंग टाइम है, जैसे बायोलॉजिकल इंडिकेटर जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और टाइम के लिए जब बायोलॉजिकल इंडिकेटर के ऊपर को उस ऑटोक्लेव में रखा जाएगा तो वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और टाइम के होल्डिंग पीरियड के बाद वो इनएक्टिव हो जाते हैं। इसी तरह से ये भी जो क्लास फाइव के इंडिकेटर्स हैं ये भी ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ द होल्डिंग टाइम ही एक्ट करते हैं। तो ये बहुत ही सिमिलर है एज कम्पेयर टू द बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स। तो इनकी दोस्तों एक बहुत ही खास इंपॉर्टेंस है कि अगर कभी आपको इमरजेंसी में इम्प्लांट्स वगैरह को स्टरलाइज करके ऑपरेशन थिएटर में यूज करना है तो आप इसको एज अ इंटरनल केमिकल इंडिकेटर भी यूज कर सकते हैं। और जो सिक्स्थ कैटेगरी के इंडिकेटर हैं, मतलब ये है कि ये स्पेसिफिक जो ऑटोक्लेव के साइकिल हैं उसके रन को डिपिक्ट करते हैं कि क्या वो ठीक चला है कि नहीं है। उसमें कार्ड होगा और उसमें लिखा होगा कि ये जो साइकिल है या टेम्परेचर है वो किसके लिए इसको यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल 134 डिग्री सेल्सियस फॉर 4 मिनट्स, 8 मिनट्स या फिर 15 मिनट्स। इसमें भी कलर चेंज को देखा जाता है। तो दोस्तों, जो कैटेगरी 5 और 6 है उसमें बहुत मेजर अंतर है, बहुत मेजर डिफरेंस है। वो ये है कि जो क्लास 6 केमिकल इंडिकेटर्स हैं वो एक डिपिक्ट करते हैं कि पर्टिकुलर साइकिल जो ऑटोक्लेव का है वो अच्छे से चला है कि नहीं, और इसमें भी सभी के सभी जितने भी क्रिटिकल वेरिएबल्स हैं उनको टेस्ट किया जाता है। जो क्लास 5 इंडिकेटर्स हैं वो एक बायोलॉजिकल इंडिकेटर की तरह ही उनको हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो होल्डिंग टाइम या पीरियड है उसके कुछ इनिशियल पार्ट में ही ये जो केमिकल इंडिकेटर है इसका कलर चेंज हो जाता है, जैसे कि जो बायोलॉजिकल इंडिकेटर है वो भी इनएक्टिव हो जाता है। तो दोस्तों, इस कंसेप्ट को भी समझने के लिए हम लाइव कंप्यूटर पे ग्राफ्स देखेंगे कि कैसे इसमें जो कैटेगरी 5 या कैटेगरी 6 के केमिकल इंडिकेटर्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों, अगर ये जो हमारे जितने भी केमिकल इंडिकेटर्स हैं उनको हम या तो एक्सटर्नली यूज करेंगे या फिर इंटरनली। जो इंटरनल जो केमिकल इंडिकेटर्स हैं वो है 3, 4 या 5 एंड 6 के कैटेगरी को ही हम
एज अ इंटरनल केमिकल इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी जो पैकेजिंग मटेरियल है, सर्जिकल सामान है, उसके अंदर हम इसको रख के चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा सर्जिकल आइटम जहां पे भी हम यूज कर रहे हैं वहां पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पहुंचा है कि नहीं। तो दोस्तों ये भी हो सकता है कि हमारा ऑटोक्लेव का कोई साइकिल है वो फेल हो जाए और ऑपरेशन थिएटर में जब वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स खोलें और वहां पे उनको पता लगे कि जो केमिकल इंडिकेटर है उसका कलर चेंज नहीं हुआ है और ये बैच फेल हो गया है। तो दोस्तों इस चीज से बचने के लिए क्या है कि हम जो एक पीसीडी का इस्तेमाल करते हैं वो है प्रोसेस चैलेंज डिवाइस। ये हम ऑटोक्लेव के साइकिल में यूज करते हैं जहां पे हम एक चैलेंज देते हैं। वो डिवाइस इस तरह से बनाए गए हैं जहां पे कि जो पर्टिकुलर भी जो रेजिस्टेंट है एक पर्टिकुलर जिसमें कि स्टीम मुश्किल से एंटर करेगी और वहां पे जो पाथ है वो बड़ा ही टॉर्चरस है, बड़ी डिफिकल्टी से वहां पे एंटर करेगी। अगर तो जो आपका केमिकल इंडिकेटर प्रोसेस चैलेंजिंग डिवाइस में सफल हो गया या फिर उसमें उसका रन ठीक है तो आप बोल सकते हैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कि आपका जो ऑटोक्लेव का साइकिल है वो ठीक चला है। तो दोस्तों ये जो वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल इंडिकेटर्स हैं हम उनको ऑटोक्लेव साइकिल को वैलिडेट करने के लिए यूज कर सकते हैं और इससे हम सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम ये देखते हैं लाइव देखते हैं कि एग्जांपल से कि कैसे ये जो केमिकल इंडिकेटर्स हैं ये डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं और कैसे इनके कलर चेंज को हम डिपिक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जो ISO 111-40-1/2014 है उसके आधार पे इसको 6 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है टाइप वन जो कि प्रोसेस को ही बताता है, प्रोसेस इंडिकेटर है और इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है ये ऑटोक्लेव टेप। इस पे आप ये देख सकते हैं कि ये जो डायगोनल लाइंस हैं जब ये ऑटोक्लेव में हम इसको यूज करते हैं और ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जब पहुंच जाता है तो इनका कलर चेंज हो जाता है। तो दोस्तों कोई भी पैकिंग है इसके बाहर हम इस टेप को यूज करते हैं बट इसका मतलब ये नहीं कि ये जो पूरा का पूरा ऑटोक्लेव साइकिल है ये ठीक चला है क्योंकि जब ये पर्टिकुलर टेम्परेचर अचीव हो जाएगा तब इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो ये नहीं डिपेक्ट करता कि इसका होल्डिंग टाइम जो ऑटोक्लेव साइकिल का था वो कितना था। तो आगे चलते हैं और देखते हैं दूसरा है स्पेसिफिक यूज इंडिकेटर। स्पेसिफिक यूज इंडिकेटर का मतलब क्या है कि जैसे हमने ये देखा था पिछली बार कि ये जो एयर रिमूवल के साइकल्स है जैसे कि जब आप ये ऑटोक्लेव को स्टार्ट करते हैं तो इसमें से ये आप वैक्यूम को ये आप वैक्यूम करते हैं तो जिससे एयर जो है वो ड्रेन से आउट होती है और फिर आप स्टीम को इंजेक्ट करना स्टार्ट करते हैं और फिर दोबारा से आप ये साइकिल चलाते हैं और ये जो नीचे है जो वैक्यूम क्रिएट होता है और फिर आप स्टीम को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह से आप 5 से 6 बार इस साइकिल को चलाते हैं कि जो आपका एयर रिमूवल है वो इस ड्रेन के थ्रू यहाँ से बाहर निकल जाए। बट दोस्तों क्या होता है कि कई बारी ये एयर ट्रैप हो जाती है और इस ड्रेन में से पूरी की पूरी ये बाहर इजेक्ट आउट नहीं होती। तो इस चीज को टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट बनाया गया जिसका नाम था बोइडिक टेस्ट। ये 2 साइंटिस्ट के नाम पे था जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया। जब भी हमने इस टेस्ट को करना है तो ये वाला जो इसका जो टेस्टिंग पैक है इसको लो ट्रे पे रखना है ओवर द ड्रेन। तो आप इसके जो कलर चेंजेस हैं वो इस तरह से होंगे, ये जो येलो कलर की लाइंस हैं ये पूरी की पूरी डार्क कलर में चेंज हो जानी चाहिए। अगर आपको कहीं पे भी येलो ये जो कलर दिखेगा तो वो टेस्ट क्या है वो फेल हो जाएगा, जिसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एयर अभी भी ट्रैप्ड है। तो फ्रेंड्स आगे थोड़ा और समझते हैं, जब ये पर्टिकुलर टेम्परेचर अचीव हो जाएगा तब हम उसको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रखेंगे जहां पे ये स्टरलाइजेशन साइकिल या फिर स्टरलाइजेशन को अचीव किया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं होल्डिंग टाइम। तो इस कंसेप्ट को अब समझने के लिए कि ये होल्डिंग टाइम के बेस पे कैसे हमने ये कैटेगरी 5 और 6 के जो केमिकल इंडिकेटर्स हैं उनको क्लासिफाई किया है वो देखते हैं। ये जो हमारा ये जो रेड लाइन डिपिक्ट कर रही है ये होल्डिंग टाइम को डिपिक्ट कर रही है और जो बायोलॉजिकल इंडिकेटर है इसमें क्या है कि जो बेसिलस स्टेरोथर्मोफिलस के जो स्पोर्स हैं जब हम उनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखेंगे तो कुछ देर के बाद ही
जैसे कि होल्डिंग टाइम के स्टार्टिंग में ही वो इनएक्टिवेट हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और जब हम उनको कल्चर मीडिया से रिवाइव करने की कोशिश करेंगे तो वो रिवाइव नहीं हो पाएंगे। तो इसी तरह से जो टाइप 5 इंडिकेटर्स है वो भी ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ द ये जो होल्डिंग पीरियड है उसी में काम करता है, और इसीलिए ये जो बायोलॉजिकल इंडिकेटर की जो एक्टिविटी है उसी तरह से ये जो टाइप 5 ऑफ केमिकल इंडिकेटर है इसको डिपिक्ट करता है, और इसको हम इंटीग्रेटिंग टाइप ऑफ जो केमिकल इंडिकेटर है वो भी बोलते हैं। और जो टाइप 6 इंडिकेटर है वो जो है हमारा वो एम्यूलेटिंग इंडिकेटर है, वो साइकिल वेरिफिकेशन इंडिकेटर है। कहने का मतलब ये कि जो एक पर्टिकुलर साइकिल जो ऑटोक्लेव का चल रहा है वो हमारा ठीक चला है कि नहीं, वो टाइप 6 इंडिकेटर से ही हमें पता लगता है। तो दोस्तों यहाँ से हमें पता लग रहा है कि जो टाइप 5 और टाइप 6 इंडिकेटर है उनमें क्या डिफरेंस है। तो इनके भी कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये जो टाइप 5 इंडिकेटर है आप देखिए ये बाहर जो है ये टाइप 1 इंडिकेटर इन्होंने स्टिक किया हुआ है और ये 3M कंपनी का है, और अगर ये जो ये वाला जो यहाँ पे रिजेक्ट लिखा हुआ है और यहाँ पे एक्सेप्ट लिखा हुआ है, अगर ये वाला जो इंडिकेटर फ्लो होके यहाँ पे कलर चेंज होके एक्सेप्ट में आ जाएगा तो हम इसको पास मानेंगे, अदरवाइज ये अगर रिजेक्ट तक ही रहेगा तो ये इसको हम रिजेक्ट कर देंगे कि ये साइकिल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। इसी तरह से ये जो टाइप 6 ऑफ एम्यूलेटिंग इंडिकेटर है यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये किस टेम्परेचर साइकिल के लिए बनाया गया है, वो है 134 डिग्री सेल्सियस फॉर 3.5 मिनट्स और या फिर 121 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट के लिए। इस स्पॉट का जो कलर है वो इस कलर में चेंज हो जाएगा, ये जो मिनिमम रेफरेंस कलर है। तो ये जो है ये टाइप 6 ऑफ इंडिकेटर है, यहाँ पे लॉट नंबर भी लिखा हुआ है, कंपनी नंबर भी लिखा हुआ है, तो आप इन सब चीजों को रजिस्टर में आप इसको नोट करते हैं। तो यहाँ पे ये भी लिखा है कि स्टरलाइजेशन कंडीशन टर्न इंडिकेटर फ्रॉम लाइट ड्यू टू डार्क। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे भी एक टाइप 6 का ही एग्जाम्पल दिया गया है, ये भी साइकिल वेरिफिकेशन इंडिकेटर है, जहाँ पे येलो से ये डार्क ब्लू कलर में चेंज हो गया है। इसके अलावा दोस्तों जो हमारे इंडिकेटर्स हैं, एक ये जो हमने बोइडिक टेस्ट है जो स्पेसिफिक यूज इंडिकेटर है इसको देख लिया है, प्रोसेस इंडिकेटर को देख लिया है कि जो प्रोसेस को डिपेक्ट करता है कि जो हमारी ये जो सर्जिकल आइटम्स हैं ये प्रोसेस्ड हुई हैं कि नहीं, और इसी तरह से जो टाइप 3 है वो सिंगल वेरिएबल है और टाइप 4 है वो मल्टी वेरिएबल है जिसमें कि 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स को टेस्ट किया जाता है। तो इस तरह से जो 6 तरह के इंडिकेटर्स हैं, केमिकल इंडिकेटर्स हैं, इनको क्लासीफाई किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स ये गूगल में एम्यूलेटिंग का मतलब देखते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स ये जो एम्यूलेटिंग का मतलब है इसका मतलब भी ये है कि टू रिप्रोड्यूस द फंक्शन और एक्शन। तो जो कैटेगरी 6 के जो केमिकल इंडिकेटर्स हैं उनका मतलब ही ये है कि ये एक पर्टिकुलर साइकिल ऑफ ऑटोक्लेव को डिपिक्ट करते हैं, उसकी फंक्शनिंग को डिपिक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो केमिकल इंडिकेटर्स हैं इनकी कंपोजिशन क्या है। तो काफी साल पहले ये लेड बेस्ड इंक्स थी जिसका इस्तेमाल किया जाता था, जो प्रेशर की जो अंडर वेरियस टेम्परेचर डिफरेंट कंपाउंड्स में चेंज हो जाते थे और जिनका कलर डिफरेंट था। बट दोस्तों आजकल ये लेड कंपाउंड्स नहीं यूज किए जा रहे, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंक्स यूज की जा रही हैं जिनकी कंपोजिशन ज्यादातर जो कि पेटेंटेड है, जिस वजह से ये जो कमर्शियली अवेलेबल जितने भी इंडिकेटर्स हैं उनमें इनकी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर आप देखना चाहें कि ये जो केमिकल इंडिकेटर्स हैं ये एक रूटीन लाइफ में कहाँ पे यूज हो रहे हैं, आपने बच्चों के टॉयज देखे हुए होंगे कि अगर वो छोटी सी कार है अगर उस पर कोई गर्म पानी डालोगे तो कलर डिफरेंट हो जाएगा, और अगर आप उसमें कोई बर्फ वाला ठंडा पानी डालोगे तो उसका कलर चेंज हो जाता है। इसी तरह से मार्केट में कप्स भी अवेलेबल हैं, अगर आप उसमें कॉफी हॉट कॉफी या हॉट टी डालेंगे तो उसका कलर डिफरेंट होएगा, और अगर उसमें आप कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह डालेंगे तो उससे उसका कलर चेंज हो जाएगा। बट इसमें एक मेजर डिफरेंस ये है कि वहां पे ये रिवर्सिबल है चीज, बट जो केमिकल इंडिकेटर्स हम ऑटोक्लेव में यूज कर रहे हैं वो इररिवर्सिबल चेंज है, वो परमानेंट चेंज है जो आपको जो आप एक इंडिकेटर में देखते हैं। दोस्तों जो भी ये कोई भी केमिकल इंडिकेटर यूज कर रहा है उसको इसका प्रिंसिपल अच्छे से पता होना चाहिए, उसकी इंटरप्रिटेशन भी अच्छे से मालूम होनी चाहिए। जैसे कि जो क्लास 1 इंडिकेटर है वो भी एक तरह का यूनिवेरिएबल ही है, बट उसमें क्या है कि अगर 121 डिग्री टेम्परेचर थोड़ी देर के लिए भी अचीव हो गया तो वो जो डायगनल लाइन्स हैं स्ट्रिप पे वो चेंज हो जाएंगी। तो
तो इसका मतलब ये नहीं कि जो पूरा का पूरा हमारा ऑटोक्लेव का साइकिल है वो कम्प्लीटली ठीक चला है। अगर आपने वो देखना है तो आप कोई और कैटेगरी के केमिकल इंडिकेटर को यूज करेंगे, जैसे कि क्लास 6 के इंडिकेटर को। तो इसी तरह से फ्रेंड, जो जो कोई इंसान कलर ब्लाइंड है वो इन केमिकल इंडिकेटर्स को नहीं अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकता। तो इनकी नॉलेज होना और इनकी इंटरप्रिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जहां पे भी ये ऑटोक्लेव यूज किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक जरूर करिए, और इसको मेडिकल स्टूडेंट्स और जहां पे भी ये ऑटोक्लेव यूज हो रहा है डिफरेंट टेक्निकल स्टाफ के साथ भी इसको शेयर करें, ताकि जो जो भी कोई ऑटोक्लेव को यूज कर रहा है तो उसको एक कंसेप्ट के साथ वो यूज कर सके। दोस्तों, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज आजकल NABH में भी आ रहा है, जहाँ पे वो डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स को चेक करते हैं कि क्या वो ऑटोक्लेव में यूज कर रहे हैं कि नहीं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी इम्प्लांट को स्टरलाइज कर रहे हैं रूटीन में, वहां पे बायोलॉजिकल इंडिकेटर का यूज करना मस्ट है। बट इन केस ऑफ एमरजेंसी, इन दैट केस यू कैन ऑल्सो यूज द कैटेगरी 5 केमिकल इंडिकेटर। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप आपके पास कोई भी कमेंट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि हम अपने वीडियोस को इम्प्रूव कर सकें। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीक हम एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।